ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਪੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ, ਤੋ ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਐਸੇ ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਉਂ ਆਤਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੌਬਸ ਤੋ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥਸ ਮੇ ਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਤੇ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਆਵਰ ਆਪਕੋ? 12.29। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਵੈਂਚਰ ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦ ਆਡੀ, वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, चेक करो। हाय गाइस, दिस इज रेडी बॉय। मैं डीएमयू के दिवाली इवेंट पर हूँ और मजा आ रहा है, भाई मिले हैं, जल्दी से बात करवाता हूँ। क्या नाम है भाई, क्या हाल है? मेरा नाम इंदर है जी, बहुत बढ़िया लगा थानू मिलके। मैं होशियारपुर पंजाब तो आज। आज तेरी चक दे फट्टे इंदर जी होशियारपुर से हैं। भाई आप कहाँ से हो? भाई मैं पंजाब नंगल डैम से हूँ भाई, आपको मिले बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, मूछ एकदम जबरदस्त लग रही है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अनिकेत, हिमाचल प्रदेश से। बहुत बढ़िया, तो आप क्या पढ़ रहे हो भाई और कितना टाइम हो गया यूके में? एक्चुअली मैं लास्ट मंथ ही आया हूँ इतने, तो मैं बीएससी कंप्यूटिंग कर रहा हूँ डीएमयू यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, कैसा जा रहा है कोर्स? एक्चुअली पढ़ाई तो बहुत बढ़िया जी उत्थे। अपा जे इंडिया ने कंपेयर करिए, कोई बर्डन नहीं हैगा साडे ते, कोई प्रेशर नहीं हैगा। ये बस साडे ते है कि अपना माइंड सैट किदा रखना, अपा पढ़ाई करनी है ते बाकी काम भी किदा करने नाल नाल। वेरी गुड, और भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? भाई मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बैचलर्स? या बैचलर्स। और कितना टाइम हो गया? मैं लास्ट मंथ आया था अक्टूबर में। बहुत बढ़िया, और भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से आप? तो डीएमयू के इवेंट में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसी बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ज्यादा दोस्त हैं आपके? चलो मिलके बड़ा अच्छा लगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने कैसे पहचाना, आपसे शुरू करते हैं और कभी कुछ वीडियो देखे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ। ਆਪਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਭੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾ ਜਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗਰਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਯੂਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਡਵਾਈਸ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਔਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਿਕੇਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ आने से पहले एक मंथ फ्री था, हाँ जी, तो उसमें यूट्यूब में देखता था कि हाउ टू एक्सप्लोर। हाँ जी, वो उसमें आप एक्सप्लोर भी करते थे और स्टूडेंट लाइफ भी बताते थे। हाँ जी, तो फिर उसको देख के मेरा टाइम भी स्पेंट हो गया और जो मैं मतलब वहीं पे मेरे को एक्सपीरियंस आता हो गया था। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली ना? हाँ, अच्छी मिली। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो भाई आप बताइए, यूके आ गए हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, आप तीनों से ही पूछ रहा हूँ मैं बारी बारी, बट मतलब जो बच्चे देख रहे हैं पंजाब से, बहुत सारे बच्चे देखते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से भी देखते हैं, क्या बताना चाहोगे आप उनको अपनी जर्नी के बारे में, एक महीने में कैसा लग रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? मैं तो सारे नु यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अपना इंडिया तो ही पहला माइंड सेट करके आओ, क्योंकि इतने तो पता ही है स्ट्रगल करना पैना ही है। जे आप उ सोचांगे कि सानू बैड ते परोसिया खाना मिल जाना, वो तो भूल जाओ। तुसीं तुहानू आप स्टैप चकना पैना, आप ही सारे काम करने पैने, तो आप ही स्ट्रोंग बन के आना पैना इंडिया तो पहला ही। बिल्कुल सही बात। भाई आपकी क्या राय है? भाई सेम, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर हम देखते हैं ना जैसे यूट्यूब पे वीडियो है, हाँ यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, हम वहाँ पे तो इग्नोर करते हैं, पर यहाँ पे आके पता चलता है हाँ स्ट्रगल तो बहुत है यहाँ पे। अगर जॉब से आए हैं भी, आपको भूख लगी है तो खुद ही पकाना पड़ेगा, पका पकाया नहीं मिलेगा। बिल्कुल, घर की याद आती है। आपको कैसे लगता है? मेरे को तो ऐसे लगता है कि अगर इंडिया में सब कुछ होता तो यहाँ पे क्यों आता कोई। बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रगल तो इंडिया में भी करना ही था, और इट्स बेटर टू क्राई इन अब्रॉड एज कम्पेयर टू क्राई इन इंडिया। ऑफकोर्स एक एक्सपोजर होता है, और स्ट्रगल तो हर जगह है यार। स्ट्रगल तो अगर अपने शहर में भी है, अपनी गली में भी है, अगर आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। दैट इज ट्रू। एक चीज मैं बोलूंगा, हाँ। मैंने यहाँ पर आके एक चीज देखी कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी, उनकी आपस में अच्छा सिस्टम है, मतलब हाँ, आपस में एक दूसरे का। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं हमें एक मंथ कोई जॉब नहीं मिलती है, हाँ। बट जब नेक्स्ट इनटेक आता है तब जो पुराने बच्चे होते हैं जिनको दो दो महीने से जॉब नहीं मिली होती है, उनको वो मिलना शुरू हो जाती है, ताकि हम इंडिया में बोलें कि हाँ हमें जॉब लगी है तुम भी आओ। बिल्कुल, बट वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट तीन महीने का। अच्छा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट बच्चों को जॉब का वो देंगे।
भाई आप दोनों को जॉब मिल गई है, आपको मिल चुकी है? नहीं हले तो अप्लाई किया है, अलग अलग एजेंसी जाके अप्लाई करी है, हले पार्ट टाइम जॉब हले बंद आ, फुल टाइम मिलती पई है, हुण वेकेशन आई है तो पार्ट टाइम अपॉइंट करते पे हो। ओके जी आप? मैं भी सेम अप्लाई किया है हसल, मतलब सभी जगह। हाँ। तो अभी उनका मैसेज आना है भी, हाँ, इंडक्शन तो के लिए। कैसे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग, अगर बता सकते हो, आपसे शुरू करते हैं। हम तो वैसे तो फर्स्ट कॉल है यहाँ पे। हाँ। और दो तीन एजेंसी और है वहाँ पे अप्लाई किया है। और डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे इंडीड ऐप है। हाँ। वहाँ से आप सर्च करो भी, हाँ, कौन सी जॉब वहाँ पे है, कौन से जो, मतलब की क्या कहते हैं, वेयर हाउस है, वेयर हाउस पे आप गूगल करो, गूगल से उनका नंबर लो, नंबर से उनको फोन करो भी, हाँ, आपकी मैंने इंडीड पे देखी है जॉब के लिए वैकेंसी। हाँ। है तो आप मुझे ऐसे खुद कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर आप ये सोचोगे ना कि इंडीड वाले करके देंगे या कोई करके देगा, कोई नहीं करता भाई यहाँ पे, आपको खुद जब तक आप सर्च नहीं करते आपको नहीं मिलेगी जॉब। सही कह रहे हो, आप क्या कहते हो? मैं तो वर्किंग कर रहा हूँ अभी रॉयल मेल में। ओके, एज अ पार्ट टाइम। वेरी गुड, तो कैसे ढूंढी जॉब? मैं तो वहाँ पर खुद गया था ऑफलाइन। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, खुद ही ऑनलाइन? कोई प्रोसेस नहीं था उनका। अच्छा, तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने इंडक्शन दी। हाँ। अब वो इंडक्शन दे रहे हैं बच्चों। हाँ। तो जॉब्स तो है इस टाइम। Okay. है जॉब्स, नेक्स्ट मंथ में हम कुछ नहीं बोल। और कितने पैसे मिल रहे हैं पर आवर आपको? 12.29 पर आवर रॉयल मेल में पार्ट टाइम 20 आवर्स। तो ओवरऑल कितने बन जाते हैं मंथली? मंथली तो अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, एंड में वो ही 200-300 बचेगा, इतना पता। बट लाइक स्टिल यू हैव समथिंग ऑन द प्लेट, सो वो बहुत बढ़िया। आप कहाँ, आपने कोई प्रोसेस किया अभी, देखा जॉब वॉब के लिए, या अभी सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस है? यस, अभी तो मतलब पार्ट टाइम के लिए अलग अलग एजेंसियों में जा जाकर अभी अप्लाई किया है। और मेरा फ्रेंड ही है अनिकेत, और पहले इसने अप्लाई किया था, और अब मैं खुद जाकर आया हूँ ऑफलाइन। और कल ही रजिस्ट्रेशन कराई है, तो अब थोड़े दिन में अभी उनकी मेल आएगी, तो इंडक्शन भी हो जाएगी। हाँ जी, मतलब सब लोग लगे हुए हैं, प्रोसेस आपको मिल गई है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और डीएमयू में से क्या बेटर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कुछ भी बेटर नहीं है, बस स्टूडेंट्स बेटर हैं, जो इंडियंस हैं वो ही बेस्ट हैं। नहीं, ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डीएमयू भी अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर भी अच्छी है। बाकी आप तीनों, आप दोनों बैचलर्स से हो, आप मास्टर्स से हो, व्हाट वुड यू रिकमेंड? की मैं हमेशा पूछता हूँ जो बच्चे एक्चुअली प्लान कर रहे हैं आने के लिए इन जनवरी इनटेक, आप क्या बताना चाहोगे, कोई एडवाइस अगर आपसे कुछ मिस हुआ हो? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि वर्क परमिट पर आओ, पढ़ाई के ऊपर आओ नहीं। ऐसा क्यों? पढ़ाई पे भी उतने पैसे लगेंगे, वर्क परमिट के ऊपर भी उतने पैसे लगेंगे, और एज अ बर्डन आपको कम हो जाएगा। पर जिसको पढ़ने आना है उसको आप क्या बोलना चाहोगे, जिसको पढ़ने ही आना है? इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। Okay. वहाँ पे कर ले। आपको क्या लगता है? एक्चुअली इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, अगर हमको जेई का एग्जाम देना है तो उसमें अवेलेबिलिटी कम होती है और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है, लाइक इन मेडिकल स्ट्रीम यू हैव टू अपियर इन नीट एग्जाम एंड देर इन, पर यहाँ पर आके आपको इजीली कोई भी कोर्स मिल जाता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, और यहाँ पर आपका बर्डन भी कम है। Okay. और आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट से एक्सपोजर भी मिलता है, वहाँ पर सिर्फ आपके इंडियन दोस्त ही होते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मैं ज़रूर बोलूँगा, आपने ठीक बोला, जब आप इंटरनेशनल एजुकेशन लेते हो तो जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में लोगों से मिलते हो। तो आपको क्या लगता है बाजी, क्या सही बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मतलब बोल तो सही रहे हैं, वैसे तो अगर हम इंटरनेशनल कोर्स लेंगे उसके साथ साथ हमें नेचर का भी पता चलेगा। हाँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएंगी। बिल्कुल, ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट है। एज अ इंडियन इंटरनेशनल डिग्री जो है वो ज्यादा मायने रखती है। ओके, तो आप लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत वैल्यू है? यस, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि पढ़ने क्यों आए, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और ठीक है, ज्यादा टाइम ही लूंगा, दिवाली है, भाइयों को डांस भी करना है, खाना भी खाना है, पार्टी भी करनी है। जाते जाते कुछ पंजाब को, इंडिया को बताना चाहोगे आप? और भी कंट्रीज से बच्चे देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, क्या प्रिपेयर करें जो आपसे मिस हो गया, या और कोई एडवाइस और कुछ आप बोलना चाहो? एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि मतलब स्ट्रोंग होके अपने घर तो ही आओ। बिल्कुल, इतने आके तो अपनी केयर आप ही करनी पैनी है, जे उत्थे तुसी घर दे काम करोगे तो ही तुसी इतने आके कर पाओगे, नहीं तो इतने तुहाडा औखा हो जाना। ग्रेट एडवाइस भाई, आप दोनों कुछ बोलना चाहें? एक तो ऐसे स्किल सीख के आना, अगर आपने आना है ना यहाँ पे। कौन सी स्किल? कोई भी, फिर भी कुछ भी, बार-बार की होगी वो तो बहुत अच्छी है, बार-बार की पार्ट टाइम के लिए। ओके, अच्छा। अगर आपको ऐसा ना भी घर पे फ्री नहीं बैठना, कुछ करना है, हाँ, मतलब कि ऐसे, तो आप बार-बार की स्किल सीख के आ सकते हो। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम भी किस्मत आजमा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी किस्मत आजमा के देख रहे हैं। क्या बात है, यू हैव टू रिस्क इट टू गेट द बिस्किट। बिल्कुल सही बोला।
तो जिंदगी में, बट फिर भी मैं बोलूंगा प्लान होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके भाई, सबको हैप्पी दिवाली, थैंक यू टाइम के लिए। जाने से पहले घर पे किसी को कुछ बोलना चाहो आप बताओ, किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो? पेरेंट्स को बस मैं ये बोलूंगा कि जल्दी आ रहा हूँ मैं, बस जल्दी आ रहे हैं भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो? मैं तो मम्मी को ही मिस कर रहा हूँ। मम्मी को और कोई यार दोस्त अपना पंजाब में? नहीं, ऐसा है ना भी, हाँ मम्मा खाना दे देते थे, यहाँ पे खाने की कमी है। बाहर आके घर की याद, मम्मी की याद आती है भाई, सही बात है। आप भाई? मैं तो यही कहूंगा जी, हुण तां जी बाहर आए हैं तो कुछ करके ही आवांगे, कुछ बन के ही आवांगे। बाबा फिर भी पंजाब से जो देख रहा हो कोई दोस्त घर पे, किसको बोलना चाहोगे? बाकी मिस तो सारे नु करते पे हैं, फैमिली नु तो ज्यादा मिस करते हैं क्योंकि मैं कल्ला कल्ला बच्चा घर दिया था। बस मैं भी यही बोलूंगा, घर की याद आती है। तो ठीक है, इसी टॉपिक पे खत्म करते हैं। दिस इज योर आईडी बॉय भाई, इंस्टाग्राम भी आईडी बॉय है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, पढ़ने जाना चाहते हो, तो यू नो अबाउट माय वेंचर गो ग्लोबल विद आईडी, वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, चेक करो, सारी हेल्प मिलेगी। और बाकी कमेंट करो, भाई भी रिप्लाई करेंगे, पकड़ते हैं इनको 2-3 महीने के बाद। दिस इज योर आईडी बॉय साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।